तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल के स्लाइसर पे। जी हाँ, पिवट टेबल में हम आपके साथ स्लाइसर पे डिस्कस करेंगे कि स्लाइसर का क्या इस्तेमाल होता है और हम एक ही डेटा से कई सारे पिवट कैसे निकालें और फिल्टर कनेक्शन के जरिए हर डेटा को फिल्टर से कैसे कनेक्ट करें, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो चलिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूँ। तो हमें सबसे पहले जानना है कि एक ही डेटा पे हम कई तरह से पिवट एक शीट पे कैसे लगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए पिवट टेबल लगाया हमारे इस डेटा पे और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मान रीजन वाइज क्वांटिटी को निकाल लिया, रीजन वाइज क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी विजुलाइज मतलब कि मुझे चार्ट भी इस पे डालने हैं तो इंसर्ट में जाके हमने इसके ऊपर एक चार्ट लगा दिया, आपके सामने चार्ट आ गया, राइट सर। अब मान लीजिए मुझे इसमें एवरेज और एमआरपी भी चाहिए, ओके एमआरपी का सम करना ठीक तो नहीं है, बट हमने क्या करना है इसका एवरेज निकालना है। तो सम ऑफ द एमआरपी की जगह पर एवरेज ऑफ द एमआरपी ले लेता हूं मैं, आ गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें एवरेज का शो नहीं हो रहा है। एवरेज शो ना होने के पीछे रीजन क्या है? एवरेज शो ना होने के पीछे रीजन ये है कि आपका जो ए है एवरेज है बहुत ही छोटा है, मतलब कि क्वांटिटी हजारों में है और एवरेज मतलब कि 10-20-50 है, इस कारण से नहीं दिख पा रहा है। हाँ, इसका दूसरा उपाय है कि मैं इस पे ये लगा दूं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्सेस लगा दो, लेकिन तो दो के लिए होगा, अगर 3-4-5 हुआ तो मतलब कि हमें अलग अलग एंगल से अलग अलग कंडीशन पे हमें डेटा को समरी क्रिएट करना है ताकि उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर ले। तो उस केस में हम दोनों के लिए अलग अलग पिवट बनाएंगे और अलग अलग चार्ट भी बनाएंगे। तो मैं एवरेज एमआरपी में यहाँ रख दिया, फिर मैं एक और पिवट टेबल यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इंसर्ट किया पिवट टेबल और इस बार मैंने यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट कर लिया और जहां चाहिए वहां पे कर्सर रख दिया और यहाँ पे हमने अपनी पिवट बना दी कि रीजन और एमआरपी का एवरेज, वैल्यू फील्ड सेटिंग एवरेज ऑफ द एमआरपी। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर आप कभी इस तरह की चीजें करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जब तक कि पहला पिवट टेबल आपका फिक्स ना हो तब तक दूसरा पिवट ना लगा। जैसे इसको अगर मान लीजिए इसमें हमने कुछ ऐड किया और आगे की तरफ बढ़ा तो आपके इस पिवट टेबल को ओवरराइड कर देगा। सो एक पिवट कंप्लीट हो जाए देन सेकंड पिवट को लगाए। ऐसे मुझे थर्ड पिवट चाहिए तो क्या हर बार मुझे यहां से पिवट लगाना पड़ेगा? जी नहीं, आप जो पिवट लगा है उसको भी कॉपी कर सकते हैं, पूरा पिवट कॉपी किए सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहां हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे हम एमआरपी हटाते हैं, एक्चुअल रेवेन्यू डाल देते हैं, फिर वापस इसको कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं। इस पे मैं क्या करता हूं, क्वांटिटी का ही टोटल लगता हूं लेकिन ईयर वाइज टोटल निकालता हूं। ये चार डेटा हमारा बन गया हुआ है, इसको चारों की फॉर्मेटिंग वगैरह करना आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने यहां पे सबसे पहले तो रीजन देता हूं, टोटल क्वांटिटी एमआरपी है तो या मैं ले लेता हूँ एवरेज एमआरपी, एक नाम के फील्ड नहीं बनते। सेम यहाँ पे रीजन छोटा कर देते, कोई दिक्कत नहीं। Okay.
आपके सामने यहाँ आ गया। अब मुझे इसके ऊपर फिल्टर लगाने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो फिल्टर है इस पार्ट में लगाते हैं, जैसे प्रोडक्ट वाइज निकाला है मुझे, क्वार्टर के हिसाब से लगाना है, इंडस्ट्री निकालना है, तो फिल्टर हम यहाँ पर रखते हैं। इससे दो प्रॉब्लम, पहली जैसे मैंने इंडस्ट्री यहाँ पे मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट सीआरएम को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फाइनेंस मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्वार्टर वन सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें एक दिक्कत और भी है कि मान लीजिए क्वार्टर टू है, क्वार्टर थ्री है, इनमें डेटा है या नहीं है, जब तक मैं इस पर क्लिक ना करूँ तब तक पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर डेटा है या नहीं है इस कंडीशन। जैसे क्वार्टर फोर सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं यूटिलिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरह से बता सकते, इसमें देखिए प्रोडक्ट वन की यूटिलिटी के क्वार्टर फोर में कोई डेटा नहीं है, तो मुझे इसको लगाने से पता चला। एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे और भी चीजें हो सकती है, जैसे मल्टीपल आइटम, मान लीजिए कि मुझे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करना है, मुझे दो प्रोडक्ट का टोटल चाहिए यहाँ पे, तो मैंने सेलेक्ट मल्टीपल आइटम और यहाँ पे प्रोडक्ट वन एंड सीआरएम को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि वो दो प्रोडक्ट कौन कौन से है, तो मुझे इसके जाके देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट ए है तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट कौन कौन से है। दूसरी चीज ये भी है कि जो फिल्टर में अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ एक पिवट टेबल पे अप्लाई हो रहा है, बाकियों पे नहीं हो रहा है, तो मतलब मुझे बाकी हर पे जाके फिल्टर देना होगा, वन बाय वन फिल्टर लगा के दिखना होगा। मैं एक ऐसा फिल्टर चाहता हूँ कि मैं एक पे सिलेक्ट करूँ तो चारों के चारों पिवट जो है इफेक्टेड हो और फिल्टर हो जाए और मुझे उसका रिपोर्ट उसी हिसाब से दिखाए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्लाइसर की। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाते हैं या फिर पिवट टेबल एनालाइज में जा सकते हैं और यहां से हम ले सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर में मैं यहां से देता हूं इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्वार्टर और सेल्स पर्सन। अब यहां पे आ गए, अब यहां पे देखिए क्या बेनिफिट है। जैसे मैंने प्रोडक्ट वन सेलेक्ट किया तो ये रिपोर्ट हमारा प्रोडक्ट वन के अकॉर्डिंग हो गया, सीआरएम सेलेक्ट किया सीआरएम के अकॉर्डिंग हो गया। अब प्रोडक्ट वन पे अगर मैंने फाइनेंस को सिलेक्ट किया, ये देखिए ये दो सेल्स पर्सन इसमें अवेलेबल नहीं, तो हाईलाइटेड हो गया। अगर मान लीजिए मुझे दो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू, तो मैं क्लिक करके नीचे होल्ड कर दूंगा तो दो सिलेक्टेड से पता चल रहा है कि हमने दो प्रोडक्ट का फिल्टर किया हुआ है। एक तरह से ग्राफिकल फिल्टर होता है और कौन सा डेटा है कौन सा डेटा नहीं है और किस किस डेटा को हमने मल्टीपल में सिलेक्ट कर रखा है मुझे यहाँ पता चल जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारा कि अभी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इससे सिर्फ एक ही पिवट टेबल लिंक हो रहा है ना, बाकी तो नहीं हो रहा है, तो बाकियों को लिंक करना पड़ेगा। बाकियों को कैसे लिंक करेंगे, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद कहाँ जाइएगा, यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में और यहाँ हम देते हैं स्लाइसर। स्लाइसर इसमें हमने सिलेक्ट कर लिया, नहीं नहीं माफ़ी, स्लाइड नहीं, फिल्टर कनेक्शन, फिल्टर कनेक्शन इंडस्ट्री प्रोडक्ट क्वार्टर एंड सेल्स पर्सन। सेम ऐसे ही फिल्टर कनेक्शन और फिर ऐसे ही फिल्टर कनेक्शन। अब क्या है कि जैसे मैं क्वार्टर वन को सिलेक्ट करूंगा, क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री पूरा डेटा इफेक्टेड हो रहा है ना, इसको और बेटर करने के लिए हम इस पे चार्ट इंसर्ट करते हैं और इस चार्ट को मैं यहां से कट करता हूं और एक नया सीट समरी यहां लेता हूं डैशबोर्ड टाइप और यहां पेस्ट करता हूं। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग मैं यहां से ले सकता हूं या डिजाइन में, और जो क्वांटिटी वगैरह आ रहा है इसको आप राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं।
ऐसे में दूसरे डेटा पे आता हूँ और इसको यहां से कट करता हूं, समरी पे जाता हूं और यहां पेस्ट करता हूं। इसको भी राइट क्लिक करता हूं और यहां से हाइड ऑल बटन चार्ज कर देता हूं। फिर इस पर क्लिक किया और इंसर्ट चार्ट कट किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग अगर चेंज करना चाहे तो एक अच्छा सा फॉर्मेट यहां से चूज कर सकते हैं, उसमें निकल लिया, राइट क्लिक किया और यहां से हाइड कर दिया। फिर लास्ट हमारा इसको है, इसमें हम जो चार्ट सिलेक्ट करते हैं तो चार्ट इसमें चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन चौथा चार्ट हमें यहाँ बनाना है, तो चौथा चार्ट थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट करते हैं यहाँ चार्ट को, ठीक है, इसको ले लिया। यहाँ स्विच रो एंड कॉलम भी हम कर सकते हैं अलग अलग, ईयरली भी कर सकते हैं। तो इसको कट करके हमने यहां रख दिया। इसको हटा देता हूं। अब जो है मैं स्लाइसर को भी सिलेक्ट करता हूं और स्लाइसर को भी कट करता हूं और अपने समरी शीट पे ला के रख देता हूं। रख दिया। और चीजें भी रख सकते हो इसमें, आप इसको छोटा भी कर सकते हो, ऐसा है कि बड़ा आना चाहिए, और इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हो। जैसे कि इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसकी स्लाइसर के फॉर्मेट में चला गया, उसको टू कॉलम या थ्री कॉलम में इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं क्वार्टर वन सेलेक्ट किया, मैं पूरा चार्ट इफेक्टेड होगा क्वार्टर टू, ठीक है सर। इसे जरा सेलेक्ट करना है तो फाइनेंस हेल्थ केयर तो होल्ड क्लिक करते होल्ड करते ला दूंगा तो तीनों सेलेक्ट हो जाएगा। तो कैसा रहा सर, समझ में आया आपको? जी सर। तो अब आपको क्या करना है, इसी स्लाइसर की मदद से मुझे एक डैशबोर्ड बना के देना है सर, ठीक है। अभी